हेलो गाइस, आज किस वीडियो में बात करेंगे कि राय महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है तो कैसे चेक करें। और भाई ये नया आया है 2023-24 का, तो ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, तो आपको ये आपको सेलेक्ट, ये आपको उसे सर्च कर देना है। यही सर्च करोगे तो सबसे फर्स्ट पर जो वेबसाइट आई वो आएगी इसकी मेन वेबसाइट, तो आपको उस वाले पे क्लिक कर देना है या इसके लिए आ सकते हैं। नीचे आपको रिजल्ट का भी आ जाएगा, तो मैं अभी इसी के लिए बता रहा हूँ मेन वेबसाइट के लिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और थोड़ा सा और नीचे आना है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है रिजल्ट। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आया जो ग्रीन कलर आ रहा है, इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आपको आपको देखिए सिलेक्ट, ये पहले 2230 आ रहा था, 24 भी आ चुका ऊपर। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ न्यू, तो इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो उसमें देखिए आपको ये चेक कर लेना है कि इधर की तरफ देखिए आपका रिजल्ट जो बीए का था वो आ चुका कि नहीं आ चुका। देखिए बीए का 5 सेमेस्टर का दिखा रहा है रिजल्ट, या सब दिखा रहा है जो अभी आए हैं, जो 24 के सभी दिखा रहा है। देखिए तो आपको चेक कर लेना एक बार, तो अगर आपको यहाँ पर शो कर रहा है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जहाँ आप यहाँ से कॉलेज का भी, कॉलेज नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है शो कॉलेज, तो इस वाले क्लिक करके आपके जितने भी कॉलेज होंगे वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको आपको डाउट है। तो उसके यहाँ पर मैं बैक कर लिया एक बार, और यहाँ से आपको रियल चेक करके दिखा दूँगा। तो मैं, मेरा एक भाई का है उसका आ चुका है, मैं चेक कर दिखा दूँगा आपको एक बार। जो कैप्चा और रोल नंबर डाल दिया उसको देखिए राइट सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 3rd सेमेस्टर का जब चेक करा रहा था, अब देखिए जब जैसे क्लिक करता हूँ तो रिजल्ट आ चुका है। देखिए तो आपको ये चेक कर लेना है, वीडियो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।